हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोलेशन मेथड्स फॉर प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और इस वीडियो में हम लोग किसी मिक्स बैक्टीरियल या माइक्रोबियल कल्चर में से एक प्योर कल्चर किस प्रकार से आइसोलेट करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स लगती हैं, उनको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर ब्रजनेश शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। प्योर कल्चर, सबसे पहले हम बात करें क्या होता है। प्योर कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कि लेबोरेटरी में हम लोग यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक सिंगल स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का एक सिंगल स्पीसीज जो है वहाँ पे हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्योर कल्चर। कहने का मतलब, जैसे कि आपने मिट्टी से या पानी से कई प्रकार के बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे, उनका एक कल्चर तैयार किया और उसमें से फिर आइसोलेट किया किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को या एक पर्टिकुलर किसी फंगस को, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्योर कल्चर। प्योर कल्चर जो होता है वो मिक्स कल्चर से, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ से ही आइसोलेट किया जाता है और उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम स्मॉल सैंपल इनटू न्यू स्टराइल ग्रोथ मीडियम, किसी एक नए मीडियम, जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार बात किया था, पिछले वीडियोज़ में मीडिया के बारे में पढ़ा था, उसमें लेकर के उसको आएंगे और फिर उसको डिस्पर्स करेंगे मीडियम सरफेस के ऊपर, ताकि इंडिविजुअल सेल्स का जो है ग्रोथ हमको होते हुए दिखाई दे, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग थिनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम सैंपल को कई बार जो है थिन करते हैं, मतलब पतला करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बैक्टीरियल जो हमारा मीडिया की सरफेस है उसके ऊपर आसानी से डिस्पर्स हो सके और इस प्रकार से हम लोग इनोकुलेशन करते हैं उसका इनटू द न्यू मीडियम। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे प्योर कल्चर की, क्यों हमें प्योर कल्चर की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली जो आपके प्योर कल्चर की ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि प्योर कल्चर हमको डिजायर्ड स्पीसीज, जिसके बारे में आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, उसमें आप किसी प्रकार की कोई एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उसको हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं बाय द प्योर कल्चर ही। यानी कि सभी प्रकार की स्पीसीज के ऊपर सेम इफेक्ट डालने की कोशिश किया तो आपको नहीं पता चला। जैसे प्योर कल्चर बनाना है फ्रॉम द वायरल, आजकल जैसे चल रहा है, तो उसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि COVID-19 का एक स्पेसिफिक जो जो कोरोना वायरस है उसको, वो अलग चीज़ हो गई। बाकी और भी कई तरीके के उसी प्रकार के कोरोना वायरस हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो जो डिजायर्ड स्पीसीज है उसको पकड़ने के लिए हम लोग प्योर कल्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एक्यूरेट स्टडी करनी है, टेस्टिंग करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, तब भी हमको प्योर कल्चर की जरूरत पड़ती है। प्योर कल्चर इंश्योर करता है कि जितनी बार हम सेम एक्सपेरिमेंट को सेम तरीके से बार बार करेंगे, हमको सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका मतलब कि वहाँ पर प्योर कल्चर है तभी ऐसा हो सकता है। अगर प्योर कल्चर नहीं है, मिक्स कल्चर है, उसमें 3-4 प्रकार के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उत्पन्न होंगे, तो आपको सेम रिजल्ट जो है बार बार नहीं मिलेगा, तो आपकी स्टडी जो होगी वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी। प्योर कल्चर जो है वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होती हैं उसमें होने वाली होती हैं किसी भी बैक्टीरियल स्पीसीज में, उसकी रेट को भी स्लो करता है क्योंकि वहाँ पर कुछ और चीज़ें या कोई और ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होता। अब बात करें आइसोलेशन टेक्निक्स की, तो जो मेथड्स हैं आइसोलेशन के लिए प्योर कल्चर के, वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से मैं 5 आपके लिए लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से पहला है स्ट्रीक प्लेट मेथड, दूसरा है प्योर प्लेट मेथड, तीसरा है स्प्रेड प्लेट मेथड, चौथा है रोल ट्यूब मेथड एंड पांचवा है हमारा माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। ये सब अपने नाम से ही बता रहे हैं कि इनमें एक्चुअल में होने क्या वाला है। हम एक एक करके सबको देखेंगे और समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली एक चीज़ जो है, एक जब भी हम लोग कभी भी किसी प्योर कल्चर का आइसोलेशन करते हैं या माइक्रोबियल टेस्टिंग वगैरह जब हम परफॉर्म करते हैं, तो कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा एक पहला वर्ड है आपका इनोकुलेशन और दूसरा है इनक्यूबेशन। अभी हम लोग कई बार इस वर्ड को भी पढ़ेंगे। इनोकुलेशन का मतलब होता है, पहले इसको समझ लीजिए, इनोकुलेशन का मतलब है जब आप एक कल्चर मीडिया से दूसरे कल्चर मीडिया में या एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में बैक्टीरियल सेल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम कहते हैं इनोकुलेशन। और जब आप इसको मीडिया में डाल करके ग्रोथ के लिए छोड़ देते हैं, उस पीरियड को हम कहते हैं इनोक्यूबेशन, ठीक है। तो ये दोनों अंतर हैं, इसको आप समझिएगा। जिसके द्वारा स्प्रेड करते हैं, जिस चीज़ के द्वारा, एक वायर जैसा, पेन जैसा मैंने हाथ में ले रखा है, ऐसे ही एक पतली सी वायर या लूप या कई बार कोई ग्लास रॉड, इस तरीके की चीज़ हम लोग लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनोकुलेटर, क्योंकि उससे ही हम लोग इनोकुलेट करते हैं। ये तो हो गई टर्मिनोलॉजीज़ की बात। अब बात करते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है? स्ट्रीक का मतलब है रेखांकित करना, मतलब लाइनें खींचना,
ठीक इसी तरीके से कुछ मतलब होता है इसका, जिसका मतलब क्या है कि अगर आपकी जो प्लेट है जो कि सॉलिड प्लेट है उसको लेना है, जिसको आप बोल रहे थे सिंपल आप कहते हैं पैट्री प्लेट या पैट्री डिश जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपने मीडिया को जिसमें आपने अगार वगैरह डाला है सॉलिडिफाई कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो इनोकुलेटर है जो लूप है उसको लेकर के स्ट्रीक करेंगे यानी लाइनें खींचेंगे, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड कहते हैं। और ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन। इसमें हम लोग स्ट्रीक प्लेट्स को हम लोग तैयार करते हैं बाय स्ट्रीकिंग, जिसको हमने कहा रेखांकित करना, हिंदी में इसलिए लिख दिया है ताकि समझ सकिए कि स्ट्रीकिंग का क्या मतलब है। और जहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्स कल्चर को लेते हैं और सरफेस के ऊपर जो है स्पॉट करते हैं या उसको सॉलिड मीडियम की सरफेस के ऊपर हम एक लूप वायर लूप या लूप वायर के द्वारा जो है, लूप वायर कुछ इस प्रकार का दिखता है, एक पतला सा वायर होगा और वायर का गोला कुछ इस तरीके का चीज़ होती है, इसको लेकर के इसी से उसको फैलाने की कोशिश करते हैं किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। इसको समझने के लिए आप जो है अगर ये फिगर देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग करते हैं। ये हमारा हो गया स्टॉक कल्चर या मिक्स कल्चर है। इस कल्चर में से इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया जो है क्या है, मिक्स हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा लूप वायर है या वायर लूप है इसको लेना है, इसको इसमें डिप करना है। एक बार ही डिप करेंगे, बार बार डिप नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार डिप करेंगे। उसके बाद इसको पिक करेंगे और पिक करने के बाद, इसको आप इनोकुलम भी बोल रहे थे, इसको पिक करने के बाद जो हमारी प्लेट्स हैं, हमने प्लेट बना रखी हैं, एक प्लेट जैसे हमने ले ली, इसमें सॉलिड मीडिया हमने डाल रखा है, मीडिया फिल है इसमें, इसके बाद स्ट्रीकिंग शुरू करेंगे। स्ट्रीकिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि यहाँ पर हमने अपना इनोकुलम रखा, मान लीजिए ये जो पेन है यही हमारा इनोकुलर है, तो हम इसको रखने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 मूव करेंगे, ठीक। इसके बाद फिर इसी प्लेट में नेक्स्ट सेकेंड सेट ऑफ स्टिक्स लगाएंगे, इसको फिर पकड़ेंगे और फिर ऐसे 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 करेंगे, फिर इसी में थर्ड स्टिक करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर ऐसे 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 जैसे भी आप करें एक ही मूवमेंट इसमें करनी है, और फिर फोर्थ स्टेट में फिर से इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से और इस प्रकार से इसको स्ट्रीक करेंगे। इसका क्या मतलब है, जब आपने इसको डिप किया तो इसमें ढेर सारे कंसंट्रेशन आए, हम इसको बार बार डिप नहीं करेंगे, एक ही बार डिप करेंगे और स्ट्रीकिंग करना शुरू करेंगे, रेखाएँ खींचना शुरू करेंगे। जितनी बार आप रेखाएँ खींचेंगे उतनी बार इसका एक्चुअली क्या होगा, डाइल्यूशन होने लगेगा, ठीक है। डाइल्यूशन होगा ना, पहली बार जब आप बनाए थे यहाँ पे तो ज़्यादा इसमें मटेरियल लगा हुआ था या ज़्यादा बैक्टीरिया के रहे होंगे अलग अलग सेल्स, जब दोबारा किया तो थोड़ी कम हुए होंगे, जब तिबारा किया तो और कम होंगे, और जब चौबारा करेंगे चौथी बार करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो यही इसका जो मेथड है वो बेस है इसी प्रिंसिपल पे कि बाय स्ट्रीकिंग जब हम रेखांकित करते हैं, रेखाएं खींचते हैं इनोकुलर के द्वारा या वायर लूप के द्वारा, तो एक डायल्यूशन ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी धीरे धीरे डायल्यूशन होता है और सरफेस ऑफ कहाँ पे, पैट्री डिश के ऊपर, ये जो पैट्री डिश आपकी दिख रही है उसके ये सेम पैट्री डिश ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पहले ये किया फिर दोबारा किया फिर तिबारा किया फिर चौबारा किया और पैट्री डिश की सरफेस के ऊपर जो है वो डाइल्यूशन ग्रेडियंट्स बनने की वजह से एक अलग अलग पार्ट पे, मीडियम के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो ग्रोथ होने लगती है। इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं, जब इसका ग्रोथ होने के लिए रख देते हैं, इसको इनक्यूबेट करते हैं फॉर 24 to 48 hours, अलग अलग उसके ऊपर अलग अलग है, और जब इसको हम रखेंगे समय के लिए तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग कॉलोनीज जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको एक इस पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है। और इससे पता चलता है कि जो हमारा ये जो मैनिपुलेशन हमने किया उससे हमारे जो बैक्टीरिया है वो थिंस आउट हो रहे हैं बाहर की तरफ, अगार सरफेस पे हमको अलग अलग इंडिविजुअल बैक्टीरिया दिखने लगेंगे, हम वहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, अलग उसका कल्चर कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। स्ट्रीकिंग करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में एक तरीका देखा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना इनोकुलेटर को लिया और ये जो है आप एक पहले तो सीधी लाइन में खींचा और फिर इससे 90 एंगल पे खींचा, ये आप काम कर सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने किया था उस प्रकार से आप कर सकते हैं। सिंपल इनोकुलेटर को लिया और एक बार में स्टार्ट किया और पूरे मीडिया पे उसको क्या कर दिया, इस प्रकार से घुमा दिया, या फिर आप जो है कुछ दूरी पे कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रीकिंग कर सकते हैं। कुछ ये भी डिसकंटिन्यूटी है कि एक बार यहाँ से ऐसे किया फिर इधर से ऐसे किया फिर इधर से ऐसे किया फिर इधर से ऐसे किया, ये भी कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से, यानी ये स्ट्रीकिंग करने के कई सारे तरीके हैं। एक
किसी को कहते हैं डायरेक्ट, किसी को कहते हैं इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि एक बार शुरू किया तो, या कंटिन्यूअस, सॉरी इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि एक बार आपने किया फिर उठाएंगे स्ट्रीक को, फिर से करेंगे, फिर उठ करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, एक बार स्टार्ट किया और लास्ट तक आप इसमें करते चले गए। इसी प्रकार से हम लोग स्ट्रीकिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा मेथड है हमारा, या दूसरी जो टेक्निक है, दैट इज नोन एज पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड अपने नाम से ही बता रहा है, प्लेट में पोर करना है, मतलब उड़ेलना है। पोर करना मतलब उड़ेलना। जिस मेथड में हम लोग जो मिक्स कल्चर्स होते हैं उसको लिक्विड अगार मीडियम के अंदर लेते हैं, ये सॉलिड अगार मीडियम था ऊपर वाला, यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिक्विड अगार मीडियम लेंगे और उसको लिक्विड मीडियम में मेंटेन करने के लिए हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं। 45 डिग्री पे हम लोगों ने जब मीडिया पढ़े थे तो हमने कहा था अगार जो होता है वो लिक्विडफाइड स्टेट में रहता है, इसीलिए 45 टेम्परेचर रखोगे तो जो आपका इनोकुलम है या फिर जो भी आपका कल्चर बनाने के लिए जो मीडिया आपने लिया है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। नाउ इस लिक्विड मीडिया को हम लोगों को क्या करना होता है, एक से दूसरे में लूप के द्वारा, ये दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, एक है लूप डायलेशन टेक्निक, दूसरी है सीरियल डायलेशन टेक्निक। इन दोनों टेक्निक के द्वारा हम लोग पोर प्लेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों का जो प्योर कल्चर, सॉरी ओरिजिनल बैक्टीरियल सस्पेंशन है उसको लेना है और एक लूप के द्वारा, इसमें लूप के द्वारा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में हम लोग उसको क्या करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे। देखिए इसका भी हम लोग फिगर देखें तो ज्यादा आसान हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका देखिए फिगर है, ये जो आपके सामने दिख रहा है इट इज ल्यूब डाइल्यूशन मेथड। इसमें हम लोगों ने, ये हमारा ओरिजिनल बैक्टीरियल सस्पेंशन था, इसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया थे, हमने यहां पर क्या किया, अपना लूप डाला, लूप लेना है यहां पर, ठीक है। ये लूप था हमारा, ये लूप हम लोग लेंगे और इस लूप को इसमें डुबाएंगे और लूप को डुबाने के बाद दूसरा हमारे पास एक लिक्विड, हमने दो तीन चार जो है, हम चार पांच छः जितना आप करना चाहें उतने अलग अलग लिक्विड मीडियम रखना है। लिक्विड मीडियम का मतलब अगार मीडिया ही है लेकिन उसको 45 डिग्री पर रखा है तो वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक। अब हमारा जो ये लूप है इसको लेना है, इसमें डिप करना है, इसके बाद फिर इसमें से लेना है, फिर इसमें डिप करना है, फिर इसमें से लेना है और इसमें डिप करना है। तो जितनी बार इसको आप अलग अलग डिप करते जाएंगे, ये पहला था मीडियम, जब इसको लिया तो ये ज़्यादा क्या नाम है आपका कंसंट्रेटेड है, इसके बाद इसका क्या होगा, डाइल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये सेम मीडिया ही था, लेकिन जब हमने इसमें से लेकर इसमें डाला तो एक लूप, सिर्फ लूप को डुबाना और इसमें डालते चले जाना, ठीक। इसके बाद जो प्लेट है हमारी, कल्चर प्लेट जो हमने बना रखी है सॉलिडिफाइड करके, उसमें इसको प्योर करना है। कैसे प्योर करेंगे, एक ml लेना है, कितना लेना है, 1 ml। वेल 1 ml को लेकर के इसमें से, चाहे आप माइक्रो पीपेट से ले सकते हैं या लूप के द्वारा ही, 1 ml को इस प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर देना है, ठीक है, पोर कर देना है। पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसका जिसका डाइल्यूशन जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉलोनीज जो हैं वो कम होती जाएंगी और आप इंडिविजुअल कॉलोनी को पहचान पाएंगे। तो ये था कौन सा, लूप डाइल्यूशन मेथड। इसी में पोर प्लेट मेथड में दूसरा मेथड है, जिसे इसको देखिए पहले समझिएगा, पहले लूप डाइल्यूशन मेथड में जो अगार प्लेट्स हैं वो डिक्रीज इन नंबर शो करती हैं, जैसा कि भी हमने फिगर में देखा, क्योंकि लूप डाइल्यूशन मेथड में ये हो रहा है कि डाइल्यूशन ऑफ द बैक्टीरियल जो मिक्सचर है उसका हो जा रहा है, ठीक। अब जो सीरियल डाइल्यूशन मेथड है वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिक्विड अगार मीडियम की जगह पर स्टराइल वाटर या फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन जो है उसका प्रयोग करते हैं, और पीपेट का प्रयोग करते हुए उसमें एक से दूसरे में हम क्या करेंगे, उसका डाइल्यूशन करेंगे, और इस डाइल्यूशन के द्वारा जो माइक्रोब्स है वो भी क्या होता जाता है, ग्रेडुअली लेस होता चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 45 डिग्री पे इसको भी हम लोग ले सकते हैं सिंपली। और इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो लिक्विड या लिक्विड अगार मीडियम है, ये हमारा हो गया कौन सा, ये हमारा बैक्टीरियल कल्चर है, इसको तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। इस बैक्टीरियल कल्चर को लेकर के, जो हमारा फर्स्ट बैक्टीरियल कल्चर था, इसको लेना है, इसमें से 1 ml लेकर के सलाइन या वाटर का जो सोल्यूशन है उसमें डालना है, फिर इसमें से 1 ml लेकर के इसमें डालना है, फिर इसमें से 1 ml लेकर इसमें डालना है, फिर इसका, तो आप देख रहे हैं 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-4 डाइल्यूशन जो है वो होता चला जा रहा है, ठीक। अब इन सब में से 1 ml को लेना है, कैसे लेंगे, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट ले सकते हैं आप, और उसको कहाँ डालेंगे, सॉलिडिफाइड हमारे लिक्विड अगार, सॉरी जो हमारा अगार प्लेट है उसके ऊपर आप क्या करेंगे, या न्यूट्रिएंट जो आप प्लेट है उसके ऊपर डालते चले जाइए सब में से लेकर के। फिर वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी कि इस वाले में डाइल्यूशन सबसे कम था तो आपको सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ इसके अंदर दिखाई दे रही थी, या अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन कौन से बैक्टीरियल कॉलोनी या कौन कौन से प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये था हमारा
पोर प्लेट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं पोर कर रहे हैं, ऊपर वाले में भी पोर कर रहे थे बट ये सीरियल डायल्यूशन के द्वारा कर रहे हैं, ऊपर में अगार या लूप डायल्यूशन लूप के द्वारा कर रहे थे यहाँ पे सिंपल। इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर हम लोग 1 ml ले रहे हैं और वहाँ पे हम कितना ले रहे थे, सॉरी उसमें लूप के द्वारा एक दूसरे में डाल रहे थे, यहाँ पे सिंपल 1 ml जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और डाइल्यूट करके उसके बाद फिर हम लोग इसको इनक्यूबेशन के लिए रख रहे हैं। जो तीसरा मेथड है हमारा वो है स्प्रेड प्लेट मेथड, बिल्कुल उसी तरीके का मेथड है, बस अंतर क्या है यहाँ पे स्प्रेड वर्ड यूज़ हो रहा है। स्प्रेड मतलब स्प्रेड करना, किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है। पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारा पहला मेथड था उसमें हमने स्ट्रीक किया था, दूसरे वाले में हमने पोर किया था और इसमें हम क्या करेंगे स्प्रेड करेंगे। इस मेथड में हम लोग जो है सॉलिडिफाइड अगार मीडियम जो होता है हमारा उसके ऊपर हम अपना जो बैक्टीरिया का कल्चर है उसको लेंगे और उसको उसको लूप एल शेप लूप यहाँ पे यूज़ करेंगे, वहाँ पे गोला वाला या एक वायर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक एल शेप ग्लास का या मेटल का बना हुआ एक हमारा रॉड यूज़ करेंगे जिसको हम स्प्रेडर बोलते हैं और उसके बाद उसको पूरे हमारी प्लेट के ऊपर हम स्प्रेड कर सकते हैं। इस मेथड में ये चीज़ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारी प्लेट होगी अगार प्लेट जो होगी वो पेट्री डिश प्लेट जो होगी वो क्या होगा वो स्पिन करेगी, यानी उसके नीचे एक मोटर लगाना है या सिंपल आप कह सकते हैं कि उसको हम लोग राउंड स्पिनिंग टेबल के ऊपर रखें और उसको क्या करें घुमाएं। जब वो स्टेज उसका घूमेगा तो प्लेट भी घूमेगी और जो हमारा ये स्प्रेडर है एल शेप का वो उसके ऊपर क्या करेगा स्प्रेड करता चला जाएगा। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि पहले इसमें भी हम लोग बिल्कुल सीरियल डाइल्यूशन मेथड के तरीके से चाहें तो डाइल्यूशन कर सकते हैं, जैसा भी आपने देखा था सिंपल डाइल्यूशन कई सारे किए हैं आपने। डाइल्यूशन करने के बाद जैसे हम लोग पोर कर रहे थे पोर नहीं करेंगे, बस इतना सा अंतर है कि एक एल शेप का ग्लास या मेटल का स्प्रेडर लेंगे, इस प्लेट को क्या करेंगे घुमाएंगे, ये प्लेट घूमती रहेगी, इसके नीचे स्पिनिंग टेबल है या ऐसा स्टेज है जो कि घुमा रहा है इसको धीरे धीरे, ये क्या कर रही है घूम रही है और जब घूम रही है तो इसमें हम लोगों ने इसको डिप किया और डिप करने के बाद यहाँ पर इसको छोड़ दिया लगा करके और ये घूम रहा है, घूमेगा तो ये आसानी से क्या करेगा स्प्रेडिंग इसकी शुरू हो जाएगी, एक तरफ से इसको स्प्रेड करना शुरू करेंगे, घूमेगी तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसके सरफेस के ऊपर ये जितना यहाँ मटेरियल आपके इस पे लगा हुआ था वो इस पे स्प्रेड हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखनी है प्योर प्लेट में और स्प्रेड में यहाँ पर 0.1 ml ही यूज़ होता है, वहाँ पे कितना यूज़ हो रहा था 1 ml यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली पोर नहीं करना, बिल्कुल उसी तरीके से डाइल्यूशन करिए बट पोर मत करिएगा, स्प्रेडर का प्रयोग करके इसको स्प्रेड कर दीजिएगा और उसके बाद आपको आइसोलेटेड कॉलोनीज जो है वो इंक्यूबेशन के बाद जो है वो प्राप्त हो जाती हैं। डिफरेंस थोड़ा सा है इन दोनों में, आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं डिफरेंस की बात करूँगा मैं, थोड़ी सी ही बात करूँगा। इसमें अगर हमने कहा कि जो अमाउंट हम ले रहे हैं प्योर प्लेट मेथड में वो 1 ml ले रहे हैं, स्प्रेड प्लेट मेथड में 0.1 ml लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि जो माइक्रो एरोफिलिक ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की वो भी आप इस मेथड में करवा सकते हैं जबकि इस मेथड में हम लोग नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज पढ़ लीजिए, इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो कॉलोनीज बनती हैं उनको हम लोग आसानी से पिकअप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन अपने आप हो जा रहा है जब हम लोग इनोकुलम कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक कॉलोनी को उठाते समय दूसरी कॉलोनी से कोई इंटरप्शन नहीं होता बट यहां पे होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट जो एरोब एनारोब या डिफरेंट प्रकार के जो बैक्टीरिया उनको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए पोर प्लेट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं जबकि यहां पर नहीं कर सकते, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। और जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनीज है वो केवल स्प्रेड प्लेट मेथड में ज्यादा पॉसिबल है देन द पोर प्लेट मेथड। एप्लीकेशन की बात करें तो जो हमारा पोर प्लेट मेथड है वो उन बैक्टीरिया को भी आइसोलेट करने के काम आता है जो कि मोटाइल होते हैं, जो कि विचरण कर सकते हैं और एक सिंगल बैक्टीरिया के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जिनकी कॉलोनीज नहीं बनती उनको भी हम लोग इस मेथड में अलग कर सकते हैं जबकि इस मेथड में हम अलग नहीं कर सकते। सॉयल या वाटर की जो बैक्टीरिया है उनको आइसोलेट करने के लिए हम लोग स्प्रेड प्लेट मेथड का प्रयोग करते हैं। मिल्क में जो बैक्टीरिया है, मिल्क प्रोडक्ट्स अंदर जो बैक्टीरिया हैं या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की जो बैक्टीरिया की स्टडी आप करते हैं वो हम लोग पोर प्लेट मेथड के द्वारा करते हैं। और जो स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट है, सिलेक्शन एक्सपेरिमेंट्स है, इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको करने हैं तो हम लोग स्प्लेट प्लेट मेथड का प्रयोग जो है यहाँ पर करते हैं। तो ये था पोर प्लेट और स्प्लेट प्लेट। चौथा इंपॉर्टेंट जो हमारा मेथड है दैट इज रोल ट्यूब मेथड। रोल
रोल बता रहा है कि रॉक एंड रोल कराना है, मतलब घुमाना है, रोल करना है इसको। ट्यूब का मतलब है ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग प्लेट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब यूज़ करेंगे। और ये जो मेथड है वो जनरली यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ ऑब्लिगेट एनारोब्स, ऐसे एनारोब्स के लिए जो कि ऑक्सीजन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एनारोबिक कल्चर बनाएंगे और उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। और यहाँ पर जो हमारा ट्यूब होगी उस ट्यूब पर हम लोग अगार मीडियम को क्या करेंगे, कोट कर देंगे उसकी दीवारों पर अंदर की तरफ, ठीक। और उसमें नाइट्रोजन भर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए नहीं इसको, तो बिना ऑक्सीजन के हम लोग नाइट्रोजन उसके अंदर भरेंगे। इसके बाद स्टॉपर लगा करके उसको रिमूव करेंगे, जितना भी उसके अंदर इनक्यूबेशन वगैरह करने के लिए उसमें बैक्टीरिया को डालने के लिए अगर कोई चीज़ खोल रहे हैं आप, उसको ढक्कन उसका खोलते हैं, तो उतनी देर के लिए वहां पर हम लोग ऑक्सीजन फ्री CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कैनुला के द्वारा उसके अंदर सप्लाई करते रहेंगे ताकि ऑक्सीजन वहां पर ना उपलब्ध हो। नेक्स्ट इनोकुलेशन करने के बाद उसको ट्रांसफ़र करेंगे लूप के द्वारा, ठीक है, अगार सरफेस पे। किस प्रकार से करेंगे, लूप को लगा देंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, इसमें फिगर कर में देखा जाए तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये है हमारा वो ट्यूब जिसके हमने सरफेस पे क्या लगा रखा है, अगार जो मीडियम है उसको लगा दिया, मीडियम यहाँ पर लिख दें, इसे अगार लिखा हुआ है, अगार मीडियम को हमने यहाँ पर चिपका देना है, सरफेस पे इसके लगाना है। इसके बाद इस ट्यूब के अंदर हमने क्या भरना है, नाइट्रोजन भरना है बिना ऑक्सीजन के, ताकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन ना हो। नाउ जब हमको इनोकुलेशन करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, ये जो ट्यूब है उसके नीचे एक मोटर लगी हुई है, ये ट्यूब घूमेगी, जो आपका ट्रांसफ़र लूप है, इस ट्रांसफ़र लूप पे हम लोगों को प्योर मिक्सर बैक्टीरिया का जो कल्चर है उसमें से इसको डिप करना है। इसके बाद इसको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। और जब इसको लगा देंगे आप यहाँ पे और ये घूमेगी, तो जब ये घूमेगी तो ये धीरे धीरे इनोकुलेशन क्या होने लगेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक। नीचे से ऊपर की तरफ, ये देखिए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बॉटम से, और नीचे से ये घूम रही है, हम लोग इसको यहाँ पे सटा देंगे और ये घूमती रहेगी, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ क्या करते जाएंगे, इसको उठाते रहेंगे, तो ये नीचे से लगना शुरू होगी और पूरे के पूरे आपके जो ट्यूब है, ट्यूब की जो सरफेस है, इनर सरफेस, उस पर जो है इनोकुलेशन जो है वो हो जाएगा। जब ये हो जाए उसके बाद वापस से इसमें ढक्कन लगाइए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लगातार छोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन किसी प्रकार से भी ना पहुँचे। और इसके बाद चाहें तो फिर से NO2 भर के इसको ढक्कन बंद करके इसको हम लोग आइसोलेट कर देते हैं, फॉर द इनक्यूबेट कर देते हैं कुछ समय के लिए, ताकि बैक्टीरिया जो हो वो इसकी सरफेस पर ग्रोथ करे, ठीक। और इस प्रकार से हम इसको आइसोलेट यहाँ पर कर सकते हैं, ये इसका तरीका है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रोल ट्यूब मेथड, क्योंकि ट्यूब के अंदर है और ट्यूब क्या हो रही है, रोल हो रही है। नेक्स्ट वन इज हमारा लास्ट है, ये है हमारा माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड। माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जो कि सुनने में बहुत ही आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। इसमें एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर जो है हमको ज़रूरत पड़ती है, कंजुगेशन चाहिए होता है, मतलब वहाँ पे माइक्रोस्कोप भी चाहिए, माइक्रोस्कोप के साथ हमारा माइक्रो मैनिपुलेटर जो है वो यूज़ होता है। माइक्रोस्कोप में देख करके कुछ मैनिपुलेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं यूज़, ताकि एक सिंगल सेल जो है वो हमको एक हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन में से प्राप्त हो सके। ये जो मेथड है इसमें एक सिंगल सेल को आप एक बार में निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी निडल या माइक्रोपीपेट के हेल्प से इसको हम लोग निकालते हैं, और एक प्योर कल्चर, एक मिक्स कल्चर में से एक प्योर कल्चर का एक सेल जो है वो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हुए अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। इस मेथड की जो एक और खास बात है कि यहाँ पर हम लोग एक सिंगल सेल के लिए जेंटली उसको स्टक करते हैं माइक्रोपीपेट के द्वारा या नीडल के द्वारा, और उसको ट्रांसफ़र करते हैं लार्ज ड्रॉप ऑफ स्टराइल मीडियम के अंदर, ताकि जो है ये अदर कवर स्लिप के ऊपर, ताकि हम उसको अदर से स्टडी कर सकें, उसको ग्रोथ कर सकें, एक प्योर कल्चर जो है वो बना सकें। लेकिन ये जो इस डिवाइस है, ये जैसा सुनने में आसान लगा कि इस मेथड में बड़े आसानी से, और समय हम लोग डाइल्यूशन कर रहे थे भाई, और भी बैक्टीरिया हमको मिल रहे हैं, मिक्सिंग भी हो सकती है और मुश्किल हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम एक सिंगल सेल, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हमको देखना है माइक्रोस्कोप में, वो हमको दिख रहा है, हमको उसको पकड़ना है और आइसोलेट कर देना है। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है स्किल, प्रैक्टिस और प्रिसीजन, यानी बार बार जितनी बार आप करें उतनी बार आप एक ही बैक्टीरियल सेल को पकड़ पाएँ। ऐसा करने के लिए हमको ढेर सारे प्रैक्टिस या स्किल की ज़रूरत पड़ती है, और ये थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है, क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप भी चाहिए अच्छी क्वालिटी का, उसमें माइक्रो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी चाहिए, और उस पर काम करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। बाकी और मेथड जो है वो आसानी से आपने स्टार्ट किया, प्योर पैड मेथड हो, स्पीकिंग मेथड हो, या क्या नाम है, स्प्रेड मेथड हो, या रोल ट्यूब मेथड हो फॉर द एनारोबिक बैक्टीरियाज, ठीक।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने आइसोलेशन समझा है। आपके सिलेबस में आइसोलेशन के साथ साथ वो भी है, प्रिजर्वेशन भी है। प्रिजर्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। आइसोलेशन का मतलब सिंपल से समझ लीजिए कि जब किसी भी क्या नाम है बड़ी कॉलोनीज में से बैक्टीरिया की, जिसमें मिक्स ऑफ कॉलोनीज हैं, उसमें से किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कॉलोनीज या बैक्टीरियल सेल की स्टडी आपको करनी है तो हम उसे आइसोलेट करते हैं, उसी को प्योर कल्चर बोलते हैं। और ये इतनी सारी पाँच बड़े मेथड्स हैं, और भी मेथड्स हैं लेकिन ये पाँच जो हैं ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और वो किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और घबराइए मत, हम लोग दो ही लोग हैं, हमें अपने कॉलेज का भी काम करना होता है और भी सारे काम होते हैं, उसके बाद इन तरीके के नोट्स को तैयार करना, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं खास करके कि जो भी चीज़ें हैं वो आपको पूरी मिले, तो थोड़ा सा समय लग जाता है, इसीलिए वीडियो अपलोड उतनी फ्रिक्वेंसी से हम नहीं कर पाते जितनी फ्रिक्वेंसी से आप लोग मांगते हैं। आपके मैसेजेस आते हैं, सर और अपलोड कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए। उस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा समय हम लोगों को दिया करिए ताकि हम आपके जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से आपके पास ला सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।